चेगाली के सर में एक चिप इम्प्लांट की जाने वाली थी, जिसे देखकर डक कहता है, अब तुम्हारे सर में एक भद्दी सी चिप ऐड की जाएगी और इस वजह से शायद तुम एरॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, इसलिए कि तुम वो फालतू चीज कर सको जिसे कहते हैं रोमांस। और तभी वो बॉट उसके सर में चिप इम्प्लांट करते हुए कहता है, ये तुमने सही टाइमिंग चुनी क्योंकि अब वाईफाई डायरेक्टली वाइड वेब में जाने वाला है। और तभी जो कस्टा एरॉन से कह रही थी, मैं बहुत खुश हूँ एरॉन क्योंकि फाइनली मुझे कोई मिल गया जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि हमें मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए रोबोट काइंड को जिंदा रखना है, तो इसीलिए मैंने ये सब प्रोग्राम किया। और तभी सारे लोग उस ओपन नेटवर्क पे शेयर किए गए फाइल को डाउनलोड करके सभी लोग जॉम्बीज बन जाते हैं। और यहाँ पर चिप इम्प्लांट की गई जैक भी जॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखकर हावर्ड द डक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्विक सिल्वर स्पीड का इस्तेमाल करके वो हावर्ड द डक के पीछे ही चली जाती है। वही दूसरी तरफ जोकास्टा एरॉन को समझा रही थी कि ये करना कितना अच्छा है, अगर हमें रोबोट काइंड को जिंदा रखना है तो ये करना ही होगा। लेकिन वायरस का एक सैंपल मिसेस सनसेट बेन के बॉडी में से लेते हुए एरॉन उससे कहता है, तुम चालाक हो, मास ट्रांसमिटिंग के जरिए वायरस को मल्टीपल क्लाइंट्स में फैलाना ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मेरे ट्रैकिंग प्रोग्राम्स लिखे गए हैं सेलेस्टियल फ्रैक्टल कोड में, तो तुम्हारे इस इन्फेक्शन का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और इन्फेक्टिंग सर्वर ढूंढने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिस पर जोकास्टा कहती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एरॉन? इस पर मशीन मैन कहता है, क्योंकि मैंने इस वायरस को पांच दुनिया तबाह करते हुए देखा है। जोकास्टा, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे पता है तुम अभी गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस पर जोकास्टा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम बोल रहे हो, एक लिविंग रोबोट, तो तुमने इस वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी मेरे दूसरे सुपरवाइजर को बुलाने के अलावा, जो कि है को सीईओ बेन स्टार्क के। और तब आर्नो स्टार्क उसे एक पंच में दूर गिरा देता है। इस पर जोकास्टा कहती है, आर्नो स्टार्क से तो तुम मिल चुके हो, मुझे लगता है कि इसके आर्मामेंट्स तुम्हारे लिए काफी फैमिलियर होंगे। और तब मशीन मैन उससे कहता है, मुझे मारना बंद करो बेवकूफ, क्योंकि मैं मेटल का बना हूँ और इसके लिए मैंने अभी अभी पे किया है। और वहाँ से उड़कर वापस जाते हुए वो कहता है, जैकी हावर्ड वही रुको, मैं तुम्हें हावर्ड के स्कैनर के जरिए ट्रैक करके आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसे आर्नो स्टार्क मिसाइल मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके आर्मर के अंदर अपना हाथ डालकर मशीन मैन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन करूं। और वो उसी के साथ आर्नो स्टार्क को मार देता है और उसकी बॉडी को देखकर कहता है, लगता है ये आर्मर उसे अंदर से खा रहा था। और तभी वो पहुंचता है जैक और हावर्ड की तरफ, जहाँ पर जैकी हावर्ड को खाने वाली थी, जहाँ पर हावर्ड कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मेरे क्रिसमस कार्ड के लिस्ट से बाहर कर दूंगा। और तब उसे पकड़कर मशीन मैन कहता है, अगर हम इसके सर से वो इन्फेक्टेड चिप बाहर निकाल दे तो शायद ये बच सकती है। तब जोकास्टा उससे वहां पर आकर कहती है, क्यों एरॉन, तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? उसने भी तुम्हें वैसे ही डिसअपॉइंट किया जैसे बाकी फ्लैशेस ने किया था। तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर एरॉन कहता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मेरे ट्रैकर्स ने लोकेट किया है एक हॉट सीपीयू इस वायरस का। और वो अपनी मशीन गन रेडी करते हुए कहता है, और वो तुम्हारे अंदर है। तब जोकास्टा कहती है, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। लेकिन अपनी मशीन गन चलाते हुए वो जोकास्टा का सर उड़ा देता है और कहता है, नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।